और इस वक्त एक जो ब्रेकिंग आ रही है यानी कि देशहित ब्रेकिंग, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बात हो रही है। ये तय है कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय है। सूत्रों के मुताबिक दो उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के हो सकते हैं। तो आज कुमारस्वामी दिल्ली आए हुए हैं, राहुल गांधी से मुलाकात की है, सोनिया गांधी से मुलाकात की है और सूत्रों के मुताबिक दलित यानी कि जी परमेश्वर जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, उनको बनाया जा सकता है उप मुख्यमंत्री। और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और एक लिंगायत उप मुख्यमंत्री का दाव खेलने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे का सियासी मकसद लिंगायत विधायकों और वोट बैंकों बनाए रखने की कोशिश बताया जा रहा है। 23 मई को कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन अभी कुमारस्वामी अकेले सीएम पद की शपथ लेंगे। रवि त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। रवि त्रिपाठी, यानी कि पद एक और कार्ड अनेक। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो रहे कर्नाटक में, देखा सचिन, बेसिकली दो तरह के दाव है। एक तो यह है कि ये गठबंधन आगे बना रहे, इसके लिए जो समीकरण बनाया जाए, जो डिप्टी सीएम बनाया जाए, कास्ट समीकरण बनाया जाए कि किस तरह से लिंगायत, क्योंकि लिंगायत के नाम पर कार्ड खेला था आपने धर्म बांटने के नाम पर, तो लिंगायतों को भी खुश करके रखा जाए। लिंगायत जो 18 विधायक है उनको कैसे जोड़ के रखा जाए हमेशा तक के लिए, और साथ साथ 2019 का जो चुनाव लड़ना है उस चुनाव के समय में ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना के रखा जाए ताकि 2019 में आपको फायदा हो। ऐसा लग रहा है कि जो विक्टिम कार्ड खेला है बीजेपी ने, उससे कहीं ना कहीं ये लोग बैकफुट पर होंगे 2019 में। तो इस वजह से एक ऐसा समीकरण बनाया जाए, जातीय समीकरण प्लस पार्टी में सबको खुश करके रखा जाए ताकि 2019 में भी गठबंधन फायदेमंद रहे और अभी जो गठबंधन की सरकार बन रही है वो टिकी रहे खासतौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। कोशिश यही है कि एक टिकी हुई सरकार, स्थायी सरकार दी जाए, इस वजह से एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री।